आज हमारी पहली बैठक थी जिला हल्का SCCL की कार्यकारिणी की और सभी साथियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जो हमारा वादा भी था रविदास जी का मंदिर बनाने का। अगली फरवरी में रविदास जयंती पर कुरुक्षेत्र में लैंड फाइलिंग कर उस मंदिर निर्माण के कार्य को भी हम शुरू करें, और साथ में एक विषय निरंतर मेरे आगे आ रहा है कि पुराने टाइम पे गांव में चौपालों का नाम समाज के नाम पर रखा गया है, और निरंतर कई जगह सामाजिक मतभेद उसकी तरफ से है। आज ये कहा है कि अब नई पंचायतें जैसे ही आएंगी और जहाँ पर भी रेजोल्यूशन पारित होंगे कि चौपालों को खास तौर पर जो जातिगत तौर पर नाम है उनको अगर गांव चाहेगा तो डॉक्टर भीमराव भवन के नाम से हम कन्वर्ट करने का काम करूँगा। मैं मानता हूँ कि इससे हमारा भाईचारा भी और बन फरीदाबाद भी कहा था, आज भी कह देता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हासी के अंदर चुनाव डिक्लेयर होते हुए कहा था कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे, और सरदार निशांत सिंह जी नॉमिनेशन पर भी गए थे। आगे भी जहाँ गठबंधन के तौर पर बुलाया जाए वहां जरूर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन रहेगी। फोटो लगाना ना लगाना मुझे नहीं लगता ये विषय कोई हमारी सोच में परिवर्तन लाता है, और हम तो बड़े पॉजिटिव सोच के साथ चलने वाली संगठन है, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी इसी मजबूती के साथ इस गठबंधन को लेकर चले। जिला परिषद के चुनाव पार्टी ने 9 जिलों के दो दो सीनियर साथियों की जिम्मेवारी लगाई है, उनकी बैठकें भी होती, जिला लेवल पर छोड़ दिया है कि कोऑर्डिनेट कर जिले में जो निर्णय होता है उसके ऊपर कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि जिला परिषद का जो चुनाव है वो जिला कार्यकारिणी ज़्यादा बेहतर जानती है और ज़्यादा बेहतर उस पर डिसीजन देती। तो जिला परिषद का सिंबल पर लड़ा जाता है तो आमने सामने क्योंकि बीजेपी आमने सामने तो कोई चर्चा ही नहीं है। अगर सिंबल पे बीजेपी भी नहीं लड़ रही, जेजेपी भी नहीं लड़ रही, तो आमने सामने कैसे सिंबल पे लड़ती है? जहाँ कोई सिंबल बीजेपी देगी या हम देंगे वहाँ आमने सामने होगा, उसके ऊपर दोनों पार्टियां बैठकर कॉमन ग्राउंड निकालें।